हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम फ्री डोमेन एवं फ्री होस्टिंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में फ्री होस्टिंग के बारे में बात किया था कि फ्री होस्टिंग आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा, कौन कौन से साइट्स आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या माय बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम फ्री डोमेन कैसे लें। तो बेसिकली अगर फ्री डोमेन अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास कोई वेबसाइट हो, अगर वो वेबसाइट आपको ब्लॉगिंग का हो या फिर वर्डप्रेस हो या फिर कोडिंग की हो, उस वेबसाइट को अगर आप गूगल पर लाना चाहते हैं, होस्ट करना चाहते हैं, तो उस वेबसाइट के लिए आपको चाहिए एक डोमेन। तो इस वीडियो में डोमेन नेम पे ही बात किया हूँ। जैसे कि मैं पहले आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं डोमेन नेम पे बात किया हूँ, और इस वीडियो में जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि .com, .co, .in, .in इस टाइप का कुछ आपको डोमेन फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो पेड वर्जन होते हैं। अलग अलग साइट्स पे उसका प्राइस कुछ इधर उधर हो सकता है, बट आपको फ्री में वो डोमेन नेम प्रोवाइड नहीं हो सकते हैं। बेसिकली अगर आपको डोमेन नेम फ्री में चाहिए तो फ्री में जो प्रोवाइड होता है वही आपको मिलेगा, .txt.ye.abc इस प्रकार का कुछ आपको डोमेन नेम प्रोवाइड होगा जो कि आप ले सकते हैं फ्री में। और कुछ ऐसे भी आपको डोमेन नेम यहाँ पर बताया जाएगा जिसको आपको बहुत लो कॉस्ट पर मिलेगा। तो इस वीडियो में आप इसी टॉपिक के ऊपर बात किया गया है, तो चलिए चलते हैं अपने पीसी पे और देखते हैं कौन से साइट्स हैं हमारे और कौन कौन से साइट्स हमको फ्री डोमेन प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट, तो चलते अपने पीसी पे और देखते हैं। हम आ गए अपने पीसी पे और यहाँ पे हम देखेंगे फ्री डोमेन वेबसाइट हमारा कौन कौन सा है, किन किन वेबसाइट्स में हमको फ्री डोमेन नेम प्रोवाइड हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं चार ऐसे प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिसपे आपको फ्री डोमेन नेम प्रोवाइड हो सकते हैं। तो मगर आपको होस्टिंग भी चाहिए तो आपको होस्टिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक पड़ा हुआ है पहले वाले वीडियो पर, जिस वीडियो में मैंने बात किया है कि फ्री में आपको होस्टिंग कैसे प्रोवाइड होंगे। तो इस वीडियो में मैंने केवल बात किया हूँ कि डोमेन नेम आपको कैसे प्रोवाइड होंगे, और पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया हूँ कि जैसे कि .com, .co, .in, .info, .website, .online इस टाइप का कोई भी वेबसाइट आपको यहाँ पर डोमेन नेम नहीं प्रोवाइड होगा। यहाँ पे जो डोमेन नेम प्रोवाइड होगा जैसे कि .txt.ye इस प्रकार कुछ डोमेन नेम प्रोवाइड होगा, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। और फर्स्ट है यहाँ पे .docx.tk, यहाँ पे आपको फ्री डोमेन नेम प्रोवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो क्या शो हो रहा है कि फ्री डोमेन्स फॉर ऑल। तो यहाँ पे और आपको स्क्रॉल बार करके दिखा देता हूँ, मैं एक डोमेन नेम सर्च करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ .txt.tk। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा हमारे पास डोमेन नेम आता है और उस डोमेन नेम को हम चेकआउट करें। जैसे कि मैंने बात किया था पहले ही कि .com, .in, .co, .in, .website, .online ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल है .tk, नॉट अवेलेबल है .ml, यहाँ पे .gacf.gq, यहाँ पे इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है वो देखिए अपना .com, यहाँ पे $8.38 में पड़ रहा है आपको। .net आपको यहाँ पे $6.71 पर पड़ रहा है आपको। बहुत सारे यहाँ पे नेम सर्च करके देख लिया, जैसे कि किसी भी नेम के आगे यहाँ पे आपका नॉट अवेलेबल हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे नॉट अवेलेबल इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे आज पे फिलहाल अभी टेक्निकल इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी जितेश टेक नाम से, तो वहाँ पे भी आपको नॉट अवेलेबल हो रहा था, बिकॉज इसमें यही प्रॉब्लम था कि यहाँ पे आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है, साइट का टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप अपने किस्त में यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा डोमेन नेम यहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम प्लेटफॉर्म को देखते हैं, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म मेरा कौन सा है और उस पर क्या है। नेक्स्ट है मेरा freenom.in। freenom.in पे यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार के आपको साइट्स मिलेंगे और उसी प्रकार के ठीक आपको डोमेन मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से दोबारा यहाँ पे सर्च करता हूँ जितेश टेक, यहाँ पे चेक एबिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा क्या आंसर आता है, यहाँ पे मेरा ठीक वही यहाँ पे भी लिखा है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू द फ्रीडम एप्लीकेशन ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन टेम्प्रोरी। बिकॉज यहाँ पे आप अगर रजिस्टर करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अवेलेबल शो होगा, यहाँ पे लिख रहा है टेम्प्रोरी इज द नॉट अवेलेबल बट यू आर रजिस्टर अगेन, आपको शो अप हो जाएगा कि आपको .tk.ml.ge आपको आपके लिए उपलब्ध है या। तो इट साइट्स का भी सेम प्रॉब्लम है, यानी हमने जो पिछले साइट्स को देखा था ठीक वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम था। तो इसके लिए आपको इससे लॉग इन करना पड़ेगा जहाँ पे आपको मिलेगा .tk.ml.ga.cf.gov, यहाँ पे ये सभी आपको डोमेन नेम प्रोवाइड हो सकते हैं फ्री में, वो भी आपको लॉगिन करने के बाद ही मिलेगा, साइन अप कीजिएगा पहले, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले वाले इस अगर हमें बात करूँ इस साइट का, तो इस साइट पर सेम वही प्रॉब्लम था और यहाँ पे freenom.com पे भी वही प्रॉब्लम है आपका। नेक्स्ट है हमारा terrify.com। तो terrify.com मेरा बहुत लो प्राइस पे यहाँ पे डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन स्टार्टिंग एट $0.95 फॉर द वन ईयर व्हेन यू द बाय फॉर द टू ईयर और मोर। ओके,
यहाँ पे आपको $1 का यहाँ पे मूल्य है, मैक्सिमम होगा आपका 80-82 मैक्सिमम इस टाइम अभी चल रहा है, वो आपको एक डोमेन नेम के लिए 80 रुपया एक साल के लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है। हमको भी मैंने सर्च किया तो उसको कुछ फेक आईडी है, कुछ फेक उस पर आपको शो अप हो रहा था, जिसके वजह से मैंने उस साइट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।